नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे मेहमान हैं बेहद खास युवा पखावज वादक ऋषि शंकर उपाध्याय। और मजे की बात यह है, दिलचस्प बात यह भी है कि रागगिरी के प्लेटफॉर्म पर पहली बार हम आपके सामने किसी पखावज वादक को लेकर आए हैं। तो इस यूनिकनेस के साथ ऋषि भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रागगिरी का कि आज मुझे इतना अच्छा आपने अवसर दिया है। तो क्या चल रहा है ऋषि भाई? सबसे पहले तो यही बताइए कि अब जो थोड़ा सा ये लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिली है और थोड़े थोड़े कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हुए हैं, और मैं देख रहा था कि लगातार आपकी भी व्यस्तता फिर से वैसे पहले की तरह हो रही है, तो थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं? देखिए, जो जिस वक्त से इवन हमारा पूरा कलाकार समाज या हमारा हिंदुस्तान गुजरा है, वो तो बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन से गुजरे हैं। एंड ईश्वर से यही प्रार्थना है, भोलेनाथ बाबा से, कि बस हम सभी को अब जो जैसे सब शुरू हुआ है चीजें, वैसे ही सब अच्छे से चलती रहे और हमारा समाज, हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग, हमारे जितने कलाकार समाज हैं, सब जैसे पहले व्यस्त थे उसी तरह व्यस्तता से काम करते रहे और संगीत को सेवा करके इसको बढ़ाते रहे। और व्यस्तता तो कह लीजिए कि इसको व्यस्तता नहीं कहेंगे, कह सकते हैं, मुझे जहां तक लगता है, मैं कहता हूं कि मैं एक सेवक हूं संगीत का। और ये जो सेवा इतने दिनों से मैं नहीं कर पा रहा था हमारे जनता के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे सारे संगीत प्रेमियों के लिए, यह ईश्वर ने मुझे अवसर दिया, फिर से एक अच्छा मौका। कहते नहीं है, हमें हर चीज की गलती की माफी मिलती है, और कुछ गलत हुआ होगा तो उसका सजा हम सबने वो किया, और अब यह एक और मौका मिला है कि और अब जो गलती किया वो गलती हम ना करके आगे अच्छे से इसको बढ़ाएं, और इसी तरह सब ईश्वर के आशीर्वाद से चलते हैं। इसलिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप इसको व्यस्तता से ज्यादा संगीत की सेवा के तौर पर देखते हैं, और ये सेवा तो आपके परिवार में बरसों बरस से चली आ रही है। मतलब 300-400 बरस से आपका परिवार इस सेवा में, इस साधना में लगा हुआ है। रागगिरी के इस इंटरव्यू सीरीज में हमेशा अपने कलाकारों से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस मौके पर अपने बुजुर्गों को, अपने पुरखों को, अपने गुरुओं को, सबको याद करें। तो आप भी सिलसिलेवार तरीके से हमें बताइए, बचपन की कहानियां मत बताइएगा क्योंकि वो हम आपसे आगे पूछेंगे, लेकिन परिवार के बारे में, गुरुओं के बारे में, बुजुर्गों के बारे में जरूर बताइए। देखिए, मैं कहते नहीं है, एक परंपरा वो चीज होती है जो रीति रिवाज हम कहते हैं चली आती रहती है, और एक सौभाग्य है कि मेरे घर में मेरे मुझे अवसर मिला दादाजी को देख के, सुन के, पंडित रामजी उपाध्याय जी और पिताजी पंडित रविशंकर उपाध्याय जी, जिनसे मैंने अपनी शिक्षा ली, देश के बड़े विख्यात, उनका मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे घर में जन्म लिया। और मेरे पूर्वज, जैसे मैंने पिताजी से सुना है अपने फादर से, कि उनका क्या हमारे परंपरा का एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है, उसमें पखावज को कितना दुलार के, प्यार के, प्यार करके, उसको अपना के, क्योंकि कहते नहीं, हम किसी चीज को अपनाएंगे तब वो चीज हमें अपनाएगी। बिल्कुल, एक मोहब्बत एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होती है। तो इसी तरह बस बुजुर्गों का जो जो जैसे सुना देखा, और मेरे जिस परंपरा से मैं बिलोंग करता हूं वो है पंडित वासुदेव उपाध्याय पखावज परंपरा, जो कि गया बिहार से है। और परदादा जी के बारे में क्या ही बोलूं, पंडित वासुदेव उपाध्याय जी, पिताजी से सुनता हूं उनकी कहानियां, दादाजी से सुनी है, परिवार में और लोगों से सुना है, तो सुन के ऐसा लगता है कि काश मुझे ईश्वर वो वक्त देता कि थोड़ा सा उसको कान, क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज हम उस चीज को देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। लेकिन जब सुनता हूं कि पिताजी से कि ऐसा उनका मूड था, ऐसा उनका एक बजाने का, संगत करने का, सोलो बजाने का, और बातचीत करने का तरीका, मिलने का तरीका, कलाकार से कलाकार कैसे मिलते हैं, तो बड़ा एक अच्छा, मतलब इंस्पिरेशन मिलता है, अनुभव मिलता है कि ऐसा ही एक कलाकार को होना चाहिए, अपने संगीत के लिए उतना ही डिवोटेड होना चाहिए और अपने कलाकार समाज के लिए उतना ही अपने आप को प्रेम से रहना, उठना बैठना, गाना, जब स्टेज पे है तो एक अलग अपना प्रेम है, बाहर है तो एक अलग प्रेम चल रहा है, वो एक सुनता रहता हूं। तो बुजुर्गों का दिया हुआ बहुत सारा तो बुजुर्गों का ही है, और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी दी हुई जो जिम्मेदारी है उसको निभा पाऊं, और अगर थोड़ा बहुत निभा पाया तो मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता ये होगी। मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को अगर थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत के
घरानों की जो परंपरा है या व्याकरण है वो समझाना चाहूं तो एक कोई कलाकार घराना शुरू करता है और उसके बाद फिर उसके घर वाले उसके शिष्य उस घराने की परंपरा को आगे लेकर बढ़ते हैं। ये बहुत सौभाग्य है जैसा ऋषि ने कहा भी कि ये जिस परंपरा से आते हैं वो परंपरा इन्हीं के परिवार से शुरू हुई है और वो सीधे इनकी नसों में वही खून वही शिद्दत अपने इंस्ट्रूमेंट के प्रति अपने वाद्यंत्र के प्रति वही सम्मान चला आ रहा है जो बरसों बरस की परंपरा है। ऋषि ये बताइए कि जब ये भारी भारी शब्द ये परंपरा 400 साल घराना तो बचपन मतलब बहुत ऐसा तो नहीं था कि बहुत स्ट्रिक्ट की थोड़ी सी भी शरारत की तो पता चला कि पिटाई हो रही है और कानू बैठे जा रहे हैं कि तुम्हें पता है तुम किस घराने से आते हो और तुम ऐसी बदमाशी कर रहे हो चुपचाप बैठो पखावज बजाओ और कुछ दोबारा सोचना मत, ऐसा हुआ क्या कभी? ऐसा इसके लिए नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है तब जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि नहीं मुझे यही करना है, क्योंकि घर से शुरू से मेरी बहन महिमा उपाध्याय मिलन उपाध्याय मेरे परंपरा में ध्रुपद गायकी भी है। बिल्कुल है बिल्कुल, मेरे यहाँ ध्रुपद गायकी भी है, मेरे फादर भी गाते हैं, मेरी सिस्टर मिलन उपाध्याय सिस्टर गाती हैं, महिमा उपाध्याय पखावज बजाती हैं, तो हम लोग तीनों भाई बहन को शुभेंदु जी शुरू से बहुत फ्रीडम मिला है। आप हमने एक ही चीज कहा गया कि आप इस घराने से हैं इस खानदान से हैं, हम देख रहे हैं उस चीज को समझ रहे हैं। परिवार में गुरु ने हमारे ये बताया कि कोई जबरदस्ती नहीं है कि करना ही है, लेकिन अगर ये इस जिस घर से तुम बिलोंग करते हो वो एक ऐसा परंपरा है जिस जो है संगीत की सेवा अभी से नहीं 14 पुश तक, मतलब मेरे फादर पंडित जी 14वीं पीढ़ी है तो 14 पीढ़ी तक इसकी सेवा हुई है। अगर कर सकते हो तो 15वीं पीढ़ी बनोगे करो, और नहीं तो अगर कुछ और अच्छा करना चाहो अगर एकेडमिक्स में करना चाहो तो एकेडमिक में करो, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो उसमें जाओ। हम तीनों भाई बहन को तो हम लोग का बहुत ये रहा कि मैंने इंजीनियरिंग भी की, मेरी सिस्टर ने जो किया एकेडमिक वो कॉमर्स साइड से किया, लेकिन हमने संगीत से प्रिय अपने खानदान के जो हमारा पखावज और ध्रुपद है जब उसको सुनते हैं तो एक ये ऐसी विद्या है कि अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और पखावज जब बजता है तो अपने आप में लगता है जैसे शिव उसको खूबसूरती से उसमें नृत्य उनकी नटराज रूप लिए और गणेश जी उसकी वादन कर रहे हैं, एक गंभीरता और बड़ा मेडिटेशनल, और अपने यहाँ का मेरे यहाँ का जो वादन शैली है वो तो अपने आप में बहुत ही एक अट्रैक्टिव है। तो जब उसको सुना तो अंदर से रहा कि नहीं, हमें जो संगीत में लाड प्यार दे दिया जाता है कलाकारों को ऑडियंस द्वारा, चाहे कि वो एक उसको देखिए माफ करिएगा मैं बहुत छोटा हूँ शिवेंद्र जी इस संगीत के विषय में बोलने के लिए, मेरे से मैं तो इतना छोटा हूं कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूं, मतलब सिर्फ आप पूछ रहे इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो हमसे इतने बड़े बड़े गुरु गुरु लोग बैठे हुए हैं और बस उनसे आशीर्वाद काफी बड़े गुरुओं से आशीर्वाद भी मिला है मुझे, जैसे पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, पंडित भजन सपोरी जी, डॉक्टर सोनल मान सिंह जी, इन सबसे बहुत आशीर्वाद मिला है और बहुत अनुसरण किया है मैंने इनका सुन सुन के। तो इसको हम इतना लाड प्यार मिलता है इसमें ऑडियंस से इतना कि मतलब इस विद्या में मान सम्मान और इज्जत और एक जो ख्याति है वो एक अलग दर्जे की है। हर एक व्यक्ति का मैं चाहता हूं कि आज के आने वाले 10 साल बाद इस अभी जो चल रहा है और जो पुराने हमारे पूर्वज लेते आए हैं, मुझे लगता है शास्त्रीय संगीत ऐसा जाएगा ना कि इसमें आज जो यूथ है वो आगे इसकी तिगुनी चौगुनी रहेगी जो इसका एक अपना चल रहा है। बहुत खुशी होती है देख के कि आज की युद्ध इस चीज को इतने प्यार से ग्रहण करके आगे बढ़ रही है और लेने के लिए जब भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि पापा हाँ, लेकिन एक चीज है फ्रीडम मिली, लेकिन एक चीज और मिली कि जब करोगे तो अच्छे से करना, क्योंकि जब अच्छे से नहीं करोगे तब कान ऐठी जाएगी और चीजें, क्योंकि वो एक फिर वहां पर आ जाती है बात एक अपनी संगीत की सेवा की, सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। तो सेवा में कमी सेवा में तो कमी हुई भी नहीं है, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम आपके हमने देखे हैं हमेशा आपको बहुत स्नेह मिला है, बड़े कलाकारों से बहुत प्यार मिला है, और वो स्नेह और प्यार ही दरअसल आने वाले समय में सम्मान में तब्दील होता है, शोहरत में तब्दील होता है, पुरस्कारों में तब्दील होता है। लेकिन आपके जो हाथ चल रहे हैं और आपकी जो आंखें चल रही हैं, आपने नटराज का जिक्र कर दिया, आपने गणेश जी का जिक्र किया, शिव का जिक्र किया, तो कुछ अब सुनाते भी चलिए हम लोग को। जी जरूर, मैं एक मेरे पिताजी की कंपोजिशन है
स्तुति के छंद में शिव की, डिमक डिम डिम 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 बजत डमरू बहत गंग जटामुखम मृगुमकिट चंद्र ललाट शोभित भस्म मुंड माल गौरीपति हरि हर हर महादेव बन ही देव प्रणाम दाता मुंडल माल गौरीपति हरि हर हर महादेव बन ही देव प्रणाम दाता मुंडल माल गौरीपति हरि हर हर महादेव बन ही देव प्रणाम दाता धगन धग तिट धगन तग तिट धगन धिट धिट धगन धिट धा गृगन नग तिट कत तग तिट कृधा धा कृतक तरकृतक धा तरकृतक तरकृतक धीता कांदा कृधांदति धग दिगन धा दिगन धग दिगन धा कृधांदति धा कृधांदति धा कृधांदति धग दिगन धा दिगन धग दिगन धा कृधांदति धा कृधांदति धा कृधांदति धग दिगन धा दिगन धग दिगन धा कृधांदति धा कृधांदति धा। तो ये एक बहुत शिव की कहते हैं पखावज के आविष्कारक भगवान शंकर है। बिल्कुल, तो जो मेरा सास है वो शिव का बनाया हुआ है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि गणेश जी को वरदान प्राप्त था कि कोई भी कार्य शुरू होगा तो उससे पहले आपको आपकी आवाहन के बिना वो कार्य अधूरा रहेगा। तो एक गणेश जी की भी मैं आपको सुनाता हूं जो कि हमारी परंपरा की है। श्रवण सुंदर नाम क्या साहित्य है इसकी, देखिए साहित्य पे का क्या। श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञान नाथ गजानन त्रिकृधान धगतट दंत कृणक त्रिकृट लंबोदर एक दंत धा अगड़बिम अगड़बिम घनानाथ गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एक दंत सुंद सुंदर मन मोहे ब्रह्मा विष्णु महेश तालद ध्रुव पद गावे अति विचित्र गानात आज मृदंग बजाव आज मृदंग बजाव आज मृदंग बजाव धाग धिट धिट धगन धिट धिट कृध धिट धिट धात धा गृण घत घेगे तट घिना ना गे तट थुकिट थुंगा कतक दिगता तकृत ता भीता कत कृधा गृगन धा कृधा गृगन धा कृधा गृगन धा कृथुंगा कतक दिगता तकृत ता धीता कत कृधा गृगन धा कृधा गृगन धा कृधा गृगन धा कृथुंगा कतक दिगता तकृत ता धीता कत कृधा गृगन धा कृधा गृगन धा कृधा गृगन आ। तो ये कुछ हमारे एक पिताजी की और एक हमारे परंपरा की एक बहुत ही खास ये अद्भुत स्तुति है जो कि मैंने पिताजी से ली और आप सबके समक्ष इसको प्रस्तुत किया। अब मैं इसको थोड़ा बजा के आपको सुनाता हूं। मैंने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया था शिव जी की, तो पखावज के मुख द्वारा उसको जरा सा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी बहुत अच्छी बात आपने पखावज के जो मतलब पहले बोल भी सुनाए, स्तुति भी सुनाई और फिर बजा के भी सुनाया,
थोड़ा सा हमें बताइए भी, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से संगीत के जो नए लोग जुड़ते हैं, जो नए रसिक जुड़ते हैं, जिनके पास बहुत जानकारी नहीं होती, उनको थोड़ा सा पखावज के बारे में बताइए भी कि किस तरह का वाद्य यंत्र है और तबले से किस तरह से अलग है या मृदंग से किस तरह से अलग है। जी, पखावज तो फारसी जवाना जब आया तब इसको पखावज नाम दिया गया फारसी शब्द में। इसको सबसे पहले मृत अंग नाम दिया गया क्योंकि हमारे जो ये साज है चमड़े का साज है और इसमें अब तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं हम, और पहले मिट्टी का बनता था, आज भी तबला मिट्टी का बनता है, कल कहीं कहीं मिलेगा आपको देखने को, बहुत रेयर है जी। लेकिन जब मिट्टी का बनता था, मृत अंग इसका नाम ऐसे पड़ा कि भगवान शंकर, इसकी दो मते हैं, एक तो है कि भगवान शंकर जो है वो बड़े तपस्या में अपने वो होते तो, लेकिन राक्षस के जो इष्ट देव होते हैं वो होते हैं शंकर भगवान ही, ओम नमः शिवाय हमारे बाबा बर्फानी, तो उन्होंने वो राक्षस की प्रवृत्ति होती है कि अच्छे कार्य में विघ्न डाल, तो लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारणवश कुछ ऐसा हो, तो मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं कि तुम इस चीज को थोड़ा समझो और मेरी मेरी कुछ अपनी चल रही है, हमेशा तपस्या में लीन रहते तपस्या, उसमें मुझे विघ्न मत डाल। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कहा सुनी में, जब कहते नहीं त्रिनेत्र खुलता है तो उसके बाद उनकी वो सीधा भस्म की ओर जाता है त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र से राक्षस भस्मासुर उसका वध हुआ और उसी वक्त वो इतने क्रोधित मुद्रा में आए कि उस वक्त उन्होंने तांडव करते, कहते नहीं तांडव, तांडव नृत्य, ये नृत्य ये शिव जी का जो आया तांडव नृत्य के साथ साथ करते करते उसके लहू से वहां की मिट्टी को करके उस उन्होंने ऐसा साज बनाया, इसलिए बनाया कि वो मेरा भक्त था, भले ही उसको मैंने भस्म किया लेकिन वो मेरा भक्त था तो इसकी ये आहुति वो बर्बाद ना जाए, जिसको लेके उन्होंने उसको वो तांडव मुद्रा में वो करके उसकी नसों से उसकी बद्धी बनाई, उसके हड्डियों से गट्टे बनाए, उसके चमड़ी से ऊपर की पूरी वो करके और उसके बाद उसमें जब ऐसे उठाया उसको ध्वनि आई ओ, जो पखावज का धा होता है, तो जब हमारे भाषा बनी हमारे संगीत की रिदम की तब उसको हम धा दिन ता किट धा तेटे धेटे कदिगन बोलते हैं जब साहित्य इसमें लाया गया, लेकिन जब कुछ नहीं था तो उसमें से ओम, वो धा को ओम ही हम इमेजिन करते थे और करते करते वो ओम जो किया जो पखावज ऊपर उछला और वो जाके गणेश जी के पेट, और कहते नहीं है कि हमारा जो संगीत है वो सामवेद है। सामवेद है कि सामवेद किसको हम कैसे शांत करते, किसी को अपने तरफ खींच कैसे ना चाहते हुए भी वो चलता अपने हमारी तरफ आ जाएगा और वो उसका मिजाज अलग हो जाएगा। तो ब्रह्मा विष्णु जी का चला आपस में कि कैसे शिव की तांडव को हम शांत करें, इतनी क्रोधित मुद्रा में है वो, तो कृष्ण की मुरली, सरस्वती जी का वीणा, ब्रह्मा विष्णु के वेद, ब्रह्मा जी के वेद से ध्रुपद का उस ध्रुपद की रचना, जब इन सब का मिश्रण हुआ और जब पखावज बजा तो जाके एक सामवेद उत्पन्न हुआ, और जब वो सामवेद आया तो वो तांडव मुद्रा धीरे धीरे रस, उसमें जो रस आई वो आ गई शिव की एकदम सोमरस में, वो अपना मजे से झूमने लगे फिर दूसरे मुद्रा में, और उस वक्त इस पखावज का जो नाम पड़ा मृत अंग, क्योंकि मरे हुए एक राक्षस की शरीर का वो बना, फिर धीरे धीरे बदला मृत अंग के बाद हुआ मृद अंग, फिर मृदंग जा गया, फिर पक्षबाज पड़ा क्योंकि हमारे जो दोनों शोल्डर्स हैं ये है पंछी का होता है पर, तो ये हमारे हम सीधा अगर स्टैचू होके अगर एक हाथ स्टैचू करके अगर दौड़े तो हम बहुत ज्यादा रन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम यूं करके दौड़े आगे पीछे हाथ करके तो हमारी स्पीड बहुत हो सकती है, तो हमारे पक्ष यही हमारे दो हाथ हैं, तो और पखावज ऐसे बजता है दोनों हाथों से शोल्डर से, तो इसको पक्षबाज कहा गया। फिर जब फारसी जमाना आया तो इसको पखावज, और अमीर खुसरो के जमाने में इसको दो भागों में किया गया उन्होंने, और उसके बाद जोड़ी, पहले सबसे पहले जोड़ी जो आज भी पंजाब में बजती है जिसको कहते हैं धामा, वो तबला से पहले आया, और धामा के बाद फिर उसके बाद देखा गया कि धामा और पखावज गंभीर थोड़ा सा वाद्य है, तो चंचल प्रकृति के
रागों के साथ गाने के लिए क्या सबसे, तब उसको एक तबला और डग्गे में फिर उसको कन्वर्ट किया गया दो भागों में। और कहते हैं पखावज का भी, तो इसलिए पखावज को कहा गया है फादर ऑफ ऑल प्रकर्शन, क्योंकि ये अच्छा ये आदि काल से, क्योंकि डमरू को स्मरण करते हो कृष्ण, क्योंकि शिव की त्रिशूल में डमरू का बहुत अगड़बिंब, अगड़बिंब जो मैंने बोला वो डमरू है, शिव जी की पहचान डमरू, तो डमरू का स्वरूप बिल्कुल पखावज की तरह है, बस थोड़ा सा उसका आकार में फर्क है। तो ढोलक भी ऐसे है, नाल भी ऐसे, कहीं मैं पखावज खोलूंगा तो लोग बोलते हैं ये ढोलक है क्या, नाल है क्या, ये ढोलकी ढोलकी लग रहा है, कहीं कहीं लोगों को बड़ा तकलीफ होता है पहचानने में इसको, साज को। लेकिन यह है कि ईश्वर की कृपा से हमारे जो जितने सीनियर बड़े गुरु लोग हैं इसको इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया उन्होंने आज, कि आज इसकी यूथ भी बहुत अच्छी है पखावज की, और बहुत अच्छा ये चल रहा है इसका प्रचार प्रसार, बहुत अच्छा ध्रुपद पखावज का, बहुत अच्छा संगीत, सारे संगीत के साथ अपने आप में बराबरी से चल रहा है आज। तो डमरू को स्मरण करके शिव ने वो आकार बनाया और तब उसके बाद गणेश जी को वह प्रदान में दिया कि यह वाद्य आज से तुम्हारे ये है और तुम इसी वाद्य के साथ जाने जाओगे, कि गणा नाम गणपति गणेश जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे लंबोदर सोए, तो ये उन्हीं का ये है, तो पखावज का ये एक अपना, ये असल में वाद्य यंत्रों की कहानी नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई हम पौराणिक कथा सुन रहे हैं और अपना जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो देवी देवता हैं उनकी भी कहानियां साथ साथ सुनते हुए चल रहे हैं। ऋषि कुछ सुनाते भी चलिए अब इसी बात पर। जी जरूर, मैं आपको अभी एक हमारे पखावज की जो उठान होती है शुरू में, जैसे तबले में पेशकारे से शुरू करते हैं या कुछ लोग उसमें उपज बजाते हैं, तो हमारे यहाँ एक उठान बजती है, मैं आपको वो सुना रहा हूँ। आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने परंपरा की उठान, और जिसमें मेरे पिताजी का एक अपना नया बनाया हुआ जो कहते हैं वो, थोड़ा सा उनका अपना मिजाज दिखाता हूँ, जो उनका मिजाज एक उन्होंने अनुसरण करके अपना बनाया है। ताल चौताल में thank you.
पखावज की इस उठान को सुनने के बाद एक बहुत बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है। ऋषि, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट भी करिएगा। जितना प्रोग्राम हम देखते हैं, जितने शास्त्रीय संगीत के हम कार्यक्रम देखते हैं, उन कार्यक्रमों में तबला ज्यादा दिखाई देता है संगत के तौर पर। तो कहीं आपके दिमाग में कभी ये था, एक तरफ तो वो परंपरा थी 400 बरस की, 14 पीढ़ियों की, और साथ के साथ ये हिदायत भी थी कि करना तो अच्छे से करना, क्या ऐसा कभी दिमाग में आया कि यार पखावज करके हम इस परंपरा को तो आगे ले जा रहे हैं, इस पीढ़ी को तो आगे ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सीमित हो गए। अगर हमने तबला बजाया होता तो संभवतः हम और ज्यादा एक्सपोजर मिला होता और ज्यादा हमें कार्यक्रम मिले होते, ऐसा है क्या? अगर गलत है तो उसको गलत भी बताइएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए तबला हो या कोई भी अपना विषय हो, सितार हो या तंत्रवाद हो या हमारा प्रोफेशन हो, नॉन प्रोफेशन हो, तबला हम ये कहते हैं कि एक प्रश्न आया मेरे अपने उसमें भी कि हम क्यों ज्यादा तबले को देखते हैं, हम ज्यादा क्यों देखते हैं सितार को, या हम ज्यादा क्यों देखते हैं फ्लूट को बजते हुए, हम क्यों देखते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें कुछ हमारे बड़े बड़े कलाकारों ने, बड़े बड़े गुरुजनों ने इसमें नई नई चीजें, एक उसको पॉपुलर कैसे करें उसके लिए सोचा। बिल्कुल। तो पखावज आज पहले के मार्फित आज तो काफी इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, पहले भी बहुत अच्छा था भविष्य, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके लिए सोचना चाहिए हम सबको कि पखावज को, और ये हमारा काम है, ये हम किसी और को नहीं कहेंगे, हम पखावज वालों को सोचना है कि हम इसमें इसको अट्रैक्टिव पॉपुलर बनाने के लिए इसमें क्या कार्य कर सकते हैं, कि ये अपने आप में ये खुल के अभी भी सामने है, ऐसा नहीं है कि सामने नहीं है, लेकिन हर एक इंसान को इसके लिए सोचना पड़ेगा। हर किसी का ये जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ अपनी बुजुर्गों की दी हुई विद्या को, तो उनकी दी हुई विद्या तो है ही हमारे पास, हम कहाँ हैं उसमें, हमें अपनी भी तो कंट्रीब्यूशन देनी है, हमें अपना भी तो कुछ सोच डालना है जो आने वाली पीढ़ी उस चीज को समझे, उस चीज को करे, और कुछ ऐसी सोच जो किसी को पसंद आ रही है तो उसमें और हम जाएं, उसकी और हम थोड़ा उसमें जानकारी लें, हम और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। और हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हम बजाते जरूर हैं अपना साज, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम जिसके लिए बजाते हैं उसको भी अच्छा लगना चाहिए, उसके कानों को मधुर लगनी चाहिए, हाँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि उस साज की अपनी एक अलग वैल्यू बनानी, कि ध्वनि इतनी मधुर होनी चाहिए, इतना उसके एक्शन इतने खूबसूरत होने चाहिए बजाते वक्त की, ऐसा ना हो कि हम ऐसा बजा रहे हैं कि कानों को चोट लग रहा है, क्योंकि है बड़ा साज, ध्वनि इसकी बहुत हैवी है। तो हमें सोचना पड़ेगा इसके लिए कि हम इसको और इसमें, और यह हर एक क्षेत्र के लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि तबला या कोई दूसरा क्षेत्र या पखावज, हर एक क्षेत्र में नई नई चीजों का एक अपना बनाना, उसमें नई नई चीजें क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इसको अपना वो हो, और कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और बोलूंगा कि अब हमारे जितने बड़े लेजेंड्स कलाकार हैं, पंडित भजन सपोरी जी, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, इन लोगों ने भी अपने साथ पखावज को प्रॉपर बराबरी के दर्जे से, तबला पखावज, दाहिने तबला है, बाएं पखावज है, और पखावज को ऐसा मुकाम दिया कि आज तबला शास्त्रीय संगीत में, मतलब छोटे ख्याल के साथ भी, धादिंदन नाना दिंदन नाना अत्यंत ना तिदिंदन नादा, अगर तबले में बज रहा है तो पखावज में ऐसा ऐसा बजना चाहिए कि पखावज के बोलों से, खुले थाप से, कि सेम जो धा धिर धिर धाता धिर धिर धाता धिर धिर धात टिकत गदिगन धा धिर धिर धाता धिर धिर धा धिर धिर धात टिकत गदि धा धिर धिर धाता धिर धिर धाक धिर धिर धात टिकत गदि धा दिंदन नाना दिंदन नाना अत्यंत ना तिर दिंद। अब जब दोनों मिले तो साउंड सुनने में लगे आहा क्या बात है, दोनों चल तो रहा है एक वजन में, इसकी वजन भी एक है, लेकिन साउंड इतना प्यारा लग रहा है, एक शार्प है और एक थोड़ा गंभीर है, कितना अच्छा लगेगा कि दो, जैसे नायक नायिका का एक चलता है अपना नृत्य, बिल्कुल उस तरह का अपना एक लगे। तो ये हमारे सब हमारे महान कलाकार जो है, पंडित जी लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि आज वो सबसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा, और जो कलाकार हमारे
नॉन प्रकाशन के हैं वो पखावज को अपने साथ जरूर इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि बहुत जरूरी, हमारा एक समाज है और ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको क्योंकि हम अगर आगे बढ़ाएंगे तब आपको देखेंगे लोग, तो आगे लोग फॉलो करेंगे। परंपरा तो बड़ों को देख के ही चलती है। बिल्कुल, कि बड़ों को देखे तब उसको हम सीखे और उसी पथ पे चले। तो ये भी बिल्कुल इस मोड़ पर मैं राजगिरी के सब्सक्राइबर को ये बताना जरूरी समझता हूँ कि कुछ बरस पहले हमने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब की याद में एक कार्यक्रम किया था बनारसिया, और उसमें भजन जी के साथ ऋषि भाई ने बहुत शानदार जुगलबंदी हुई थी। और जैसा ये कह रहे थे उस वक्त, एक तरफ तबले पर तन्मय दा थे, तन्मय बोस दा, जो कोलकाता के क्यों बल्कि भारत के विश्व के अग्रणी तबला वादकों में से हैं। भजन जी थे, उनके बेटे अभय थे, और साथ में ऋषि थे। तो बहुत बहुत शानदार जुगलबंदी हुई थी, और जो नायक नायिका के मिलन की बात हुई वो हम लोग उसके गवाह रहे हैं, वो हमने देखा है। ऋषि मुझे एक चीज और बताइए कि ये तो बात हो गई, चाहे सोनल जी के साथ कार्यक्रम की बात हो गई या पंडित जसराज जी के साथ बात हो गई, भजन जी के साथ बात हो गई, लेकिन बहुत उत्सुकता के साथ मुझे ये बताइए कि ध्रुपद के साथ ऐसा क्या है पखावज का कि ध्रुपद है तो पखावज होना ही होना है, ये क्या एक क्या है, खास रिश्ता क्या है? देखिए, मैंने तो ये भी सुना है जैसे अपने बुजुर्गों से और आज भी अपने परिवार के कई सदस्यों से सुना कि पहले जो ध्रुपद धमार होता था, मुझे याद है पंडित सियाराम तिवारी जी और पंडित रामचतुर मलिक जी, इन सब के साथ जो ध्रुपद गायकी में दो संगतकार होते थे, एक पखावज प्लेयर होता था और एक तबला प्लेयर भी होता था। ऐसा जरूरी नहीं है कि पखावज ही बजता था। तब तो ये है कि पखावज और ध्रुपद सबसे प्राचीन विधा है। तो शुरू में जब आया तो भाई ध्रुपद अगर गायकी है तो उसके साथ क्या सुटेबल, तो पखावज ही है, क्योंकि इन दोनों का एक अपना संबंध है बहुत गहरा। जैसे हम कह सकते हैं कि छोटे ख्याल के साथ तबले, आज हम ख्याल गायकी के साथ तबले को जैसे देखते हैं, उसी तरह ध्रुपद के साथ पखावज का एक संबंध जो है वो प्राचीन वक्त में वो वेदों से निकला हुआ चीज, और ब्रह्मा जी का जो हम पहले वो पढ़ते थे शास्त्रों में, किताबों में वेद, जो ऋषि मुनि लोग मंत्र उच्चारण करते थे, तो पहले द द द द द द द सीधा सीधा जाता था द द द द द द द, अब वहां गले का काम नहीं है, द द द द द द द ये नहीं था, वहां सीधा सीधा ध्रुपद का जो वो होता है अंग, तो ध्रुपद अंग में गंभीर क्या चाहिए, ध्वनि आवाज। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पखावज ही एक ऐसा वाद्य था जो उसके साथ मिलके, और ध्रुपद में भी देखिए हर एक घरानों का अलग अलग गायकी स्टाइल, उसमें संगत कैसे करना है, एक अलग अलग अपना अपना क्षेत्र था हर एक घराने में। जैसे कुछ घराने के कलाकार लड़ंत भिड़ंत पसंद करते हैं ध्रुपद गायकी के साथ, और कुछ घराने के कलाकार है कि उसमें भाव अपना ध्रुपद के भाव को स्पष्ट करते हैं और पखावज का बड़ा खूबसूरत मेडिटेशनल साउंड आता है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि नहीं, इस लयकारी में तो उसी लयकारी में लड़ंत भिड़ंत होनी चाहिए थोड़ी सी। तो पहले जब पंडित सियाराम तिवारी जी और पंडित रामचतुर मलिक जी की कहानियां मैं सुनता हूँ पुरानी, तो उसमें पिताजी भी बताते हैं हर बार कि एक तरफ पखावज वादक होते थे और एक तरफ तबला वादक, तबले पे ज्यादातर पंडित किशन महाराज जी हमारे आदरणीय, बहुत ही आदरणीय, उनका नाम भी लेना गुनाह होगा मेरे लिए, महाराज जी, और हमारे मैं कह सकता हूँ उनसे बहुत आशीर्वाद मिला है मुझे, मेरे पिताजी को, हम सबको बहुत ही एक, मैं उनको बहुत अपना आइडल भी मानता हूँ, उनकी जो अपना मिजाज, उनका वादन शैली, और वो तो एक अलग ही उनकी तो वो थी। तो सुनता रहता हूँ मैं ये चीज़, बड़ा सुन के ना सोचता हूँ कि अब नहीं होता ये चीज, अब सुन नहीं सुन पाता हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा मुझे ऐसा लगता है ना कि हम अगर कोशिश करें, क्रिएट करें कोई चीज तो बहुत अच्छा जाएगा, कोशिश करें, साथ में देखें कुछ अपने साथ और भी साज को जोड़ के, आजकल तो क्रिएटिव जमाना है। मैं समझ सकता हूँ कि किसी चीज की नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन नियम का उल्लंघन न करते हुए अगर जो चीज कानों को ध्वनि अच्छी लगती है, जो चीज देखने में खूबसूरत लग रही है, तो उसको देखते ही रहो, बस सुनते ही रहो, ऐसा होना चाहिए। तो ऋषि भाई इंटरव्यू खत्म करें उससे पहले क्या सुना रहे हैं आप हम लोग को? मैं ताल चौताल में आपको एक रेला सुनाता हूं, जो कि मेरे पिताजी ने इसको तग तेटे किट धूम किट तक,
धूमकिट का रेला है ये, तग तेटे किच धूमकिच तक, तग तेटे किच धूमकिच तक, तग तेटे किच तक, ये सुनाता हूं आपको। और बहुत अच्छा लगा शुभेंद्र जी आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और मैं आपसे और हमारे सारे जनता से कहूंगा अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो मेरे बोलने में या कुछ मेरे इसमें, तो एक संगीत का सेवक छात्र समझ के क्षमा करिएगा। संगीत बहुत गहरी बहुत बड़ी विद्या है, इसमें मुझे मैं कुछ नहीं हूं और शायद आखिरी सांस लूंगा वहां उस वक्त भी कुछ नहीं रहूं। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एक धूमकिट का रेला, जो कि मेरे पिताजी पंडित रविशंकर उपाध्याय जी का बनाया हुआ बहुत खूबसूरत रेला है धूमकिट का, ताल चौताल में आप सबके समक्ष। सुनने के बाद अब ऋषि का धन्यवाद दें, उससे पहले वहां चलते हैं जहां से इंटरव्यू शुरू किया था मैंने, और मैंने कहा था कि मेरे साथ एक युवा पखावज वादक हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको फिर से ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप भारत में जितने बड़े कलाकारों को जानते हैं, नृत्य में आप सोनल मानसिंह जी का नाम ले लीजिए, गायन में जसराज जी थे, कथक में आप एक से एक बड़े कलाकारों का नाम ले लीजिए, जयपुर घराने से राजेंद्र जी का नाम ले लीजिए, संतूर में भजन सोपुरी जी का नाम ले लीजिए, ऐसे नाम गिनाते गिनाते शायद कई मिनट बीत जाएंगे, लेकिन जो स्नेह जो प्यार मिला है ऋषि को वो इनका सबसे बड़ा खजाना है, वो इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, और वो जो सहजता इनको मिली है वो सहजता बरकरार रहे। ऋषि भाई बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा जो संगीत है वो आप लोग जैसे ले जा रहे हैं बहुत सुरक्षित है, और आप लोग रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।